नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सतना जिले के कोठी बाजार में दिन दहाड़े महिला को गोली मारकर दो युवक फरार हो गए। बाइक सवार दो युवक पहुंचे और घर से बाजार जा रही महिला को गोली मारकर फरार हो गए। गोली दागने वाले आरोपी की पहचान मनोज दुबे के रूप में हुई है, जबकि उसके साथी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना बीच बाजार की है। सतना जिले के कोठी निवासी 26 वर्षीय महिला सीमा तिवारी अपनी ननद के साथ बाजार निकली थी। बीच बाजार एक युवक आया और महिला के सीने में गोली दाग कर फरार हो गया। गोली दागने वाले का एक साथी घटनास्थल से 25 मीटर दूर पर बाइक स्टार्ट कर खड़ा था और घटना को अंजाम देकर दोनों फरार हो गए। दिन दहाड़े गोली चलने की घटना से अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में बाजार में लोग थे, लेकिन किसी ने भी आरोपी को पकड़ने की कोशिश नहीं की। दोनों आरोपी फरार हो गए। वहीं गोली महिला के सीने के आर पार हो गई। महिला की हालत गंभीर है, जिसे सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सरे के बाद पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी में छर्रा फंसा हुआ है। गोली महिला के हाथ पर भी लगी। नाजुक हालत होने की वजह से महिला को डॉक्टरों ने रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीमें बनाई हैं। क्या हो गया? ये एक जगह खड़े रहिए, मार्केट कम नहीं आई। फिर से बोलिएगा। ये मार्केट कम नहीं आई है घर से, तो पता नहीं वो कैसे इसको गोली मार दिया। कौन मार रहा है गोली? मनोज बेदी करके एक लड़का है, कोठी का, जुबेन टोला। कौन टोला का? जुबेन टोला, कोठी। क्यों मारा है? मारने का रीजन अभी हमको नहीं। शादी कब हुई थी इसकी? शादी इसकी आज 2 साल हो गए। अच्छा, मायके कब आई थी? मायके आई है अभी, मतलब इसी महीने आई है, जो नवंबर में। अच्छा, कहाँ है मायका इसका? कैलाश। क्या नाम है घायल महिला का? सीमा द्विवेदी। यहाँ पहले तिवारी थी, अब शादी होने के बाद सम्मेलन के। मनोज द्विवेदी को आप लोग जानते हो? मनोज द्विवेदी को वहाँ जानते हैं। कैसे जानते हो? रिश्तेदार है क्या इनका? रिश्तेदार नहीं, मैं कोठी से ही। हाँ हाँ, रिश्तेदारी में लगता कहीं? नहीं, रिश्तेदारी में कुछ नहीं लगता। हाँ, मारने का रीजन क्या होगा? कोई विवाद चल रहा था? नहीं, कोई विवाद नहीं। हाँ, कैसे फायर किया इसने? अब ये मैं नहीं देखा, मैं उस समय घर में था। आप लोग को जानकारी कैसे हुई? मेरे को मेरे बुआ का लड़का, ये मेरी बुआ की लड़की है। हाँ, उसने फोन लगाया कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं घर से जब गया हूँ, देखो कोठी हॉस्पिटल ला चुका हूँ। अच्छा, आप क्या नाम लिखते हैं? मैं धीरेन्द्र मिश्रा नाम। महिला को गोली लगी है, क्या पूरा मामला सुना? ये कोठी थाने से एक महिला आई सीमा द्विवेदी, उसके बीच में गनशॉट, मतलब छर्रे लगे हुए हैं। इसका एक्सरे हो गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। एक छर्रा उनके स्पाइन के पास फंसा हुआ है, एक बाएँ हाथ में लगा हुआ है और एक और बाएँ कंधे पे। अभी उनकी स्थिति ठीक है, अच्छे से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उनको अच्छे ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया। फिर मामला क्या था कि जानकारी क्यों गोली की मारी गई? बहुत ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ। ऐसी जानकारी गई कि ये गोली लगी है, इसलिए हॉस्पिटल का मैं ट्रीटमेंट करा लूँगा। इसके बाद किन लोगों ने गोली मारी, इसकी जानकारी चली थी? हाँ, किसी संतोष का नाम है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।